उषा जी, चिराग पासवान तो कह रहे हैं जहां पर आपको एलजेपी का उम्मीदवार ना मिले वहां जेडीयू को हराइए, लेकिन बीजेपी को जिता दीजिए। तो इनको हराने के लिए है ना मैदान में आप? हम लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री हमारा परिवर्तन हो, और हम लोग बीजेपी के साथ ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अभी हमारे नेता दिवंगत हो गए, वो अंतिम सांस तक हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ थे, और कोरोना काल में दो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर उन्होंने बहुत काम किया, और उनके चलते बिहार में भूखमरी से एक भी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने अंत तक काम करते रहे बीमारी हालत में भी, हाँ। और नवंबर तक अभी तक मुफ्त अनाज मिलेगा। लेकिन चिराग पासवान जो आप बात कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए तो जेल में होंगे सुशासन बाबू और उनके अधिकारी, हाँ, क्या ये रिवेंज की राजनीति से बिहार बदलेगा? नहीं, हम रिवेंज की राजनीति नहीं कर रहे हैं। जो चिराग पासवान ने अपनी पद यात्रा की थी नवम्बर महीने से भी 2019 से, जो कि कोरोना काल के कारण थोड़ा उसमें कमी आ गई, हाँ। तो उन्होंने जगह जगह गांव गांव प्रखंड प्रखंड में नॉर्थ बिहार से लेकर परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।